सबको नमस्ते। गौर से देख, दुनिया का आखिरी खूबसूरत आदमी। हाँ, 1.5-2 साल से आ रहे हैं, यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और जितना प्यार और जितनी मोहब्बत और जितना सम्मान हमें इस देश से मिला है, हम उसका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इतना हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपसे ही इस देश की पहचान है, आप ही इस देश का मान है। जहां आपसे फूल खिलते हो दोस्तों, उसी सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है। सूरत नौजवान हूँ। अच्छा, मुझ पे तो लड़कियां मरती हैं। और जो प्रदीप का सफर है, आपको बताएं कि प्रदीप जो है उनकी 93 रैंक आई है। इस गधे को देख कैसे फैला पड़ा है, जैसे ये पुर्तगाल के बाप ने दिया हो, साला पूरे घर को धर्मशाला बना के रखा है। ई काम हम पे छोड़ दो, हम पे झटका जरा सा महसूस हुआ। एक सजी, एक मिनट, किससे बात कर रहे हो आप? मुझसे? तो फिर गलत बंदे से बात कर रहे हो, कोई मिस्टेक हुई है, हैं? जिसकी खिलौने वाली गन से फटती हो, गन का बिजनेस करेगा? कट पीस का बिजनेस करता हूँ सर जी, कपड़े काट काट के दिन काटता हूँ, करीना कट पीस, इसी नाम की दुकान है यमुना पर। आ जाओ, एक दिन अच्छी मलाई वाली चाय पिलाता हूँ आपको, तो जाओ। अंकल, मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन उसको पूरा करने का मन नहीं करता। तो एक छोटा सा सपना है और वो पूरा करने का बहुत मन करता है। I know it's a bit silly, इस हालत में सपना पूरा होना उससे लेकिन बात ही कुछ और है। लगे रहो ईमानदारी से, ट्रूथ, सत्य, और ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं होता। वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, आपको ढेर सारी असफलताएं मिलेंगी, बट वो किसी एक सफलता की तैयारी है। तो लगे रहो ईमानदारी से,